नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो बच्चों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि स्टेनो की बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में। वैसे ही आज मैं आपको एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, कि BSF में एक पोस्ट आई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि हमारी दो कैटेगरी में बच्चों डिवाइड है। एक है हमारे पास स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनो, और एक है हमारे पास क्लर्क यानी कि क्लर्क में आप इसको बोल सकते हो ये हेड कांस्टेबल है, ये हेड कांस्टेबल है क्लर्क में। अब ये आपको जो फॉर्म है वो BSF की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि BSF में अगर हमें सब इंस्पेक्टर बनना होता है तो आपने नोटिस करा होगा कि हम CPO का फॉर्म भरते हैं। जो CPO का फॉर्म होता है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस का फॉर्म होता है, उसके थ्रू आप अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे CISF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इन सब में आप सब इंस्पेक्टर बनते हो CPO के पेपर के थ्रू। लेकिन अगर इसके अलावा आप, जैसे आप SSC GD की बात करते हो, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास क्लर्क की वैकेंसीज होती हैं। उसी हिसाब से BSF ने अभी अपनी ASI की कुछ वैकेंसीज अनाउंस करी है, जो हमारी स्टेनोग्राफर में और क्लर्क में है। यानी कि आपको ये डायरेक्ट वेबसाइट चेक करनी है BSF की, उसमें आपको ये सारी पोस्ट मिल जाएगी। BSF में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है, आज की वीडियो का मेरा मोटिव ये है कि BSF में जो ये हमारी पोस्ट निकली है, ये नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल कौन सा बच्चा इसको फॉर्म भर सकता है, कितनी इसकी सैलरी होती है, किस किस एज ग्रुप के बच्चे इसको भर सकते हैं, क्या इस फॉर्म को भरने की फीस है, और साथ में इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को शुक्रिया, जैसे आप शुरू से लेकर अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं, आई होप आगे भी आप ऐसे ही बने रहें। जैसा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में अभी तक पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से, वैसे ही हमारा ऑनलाइन में भी हमारे बच्चों का जो स्केल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जो बच्चे आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, जो नजर उत्तम नगर के एरिया के आसपास नहीं रहते हैं, जो हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, वो सभी बच्चे हमसे ऑफलाइन ना लेकर, अगर ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, वो सभी बच्चे हमसे ऑनलाइन की क्लास में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमने सारी क्लासेस हाइब्रिड मोड पर कर दी है। हाइब्रिड मोड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा बता देता हूं कि जो बच्चे ऑफलाइन में बैठ के पढ़ते हैं, वो सेम बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। जैसे बच्चों ने स्पेशल इंग्लिश का बैच ले रखा है, मैथमेटिक्स का बैच ले रखा है, वैसे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमारे यहां पर बैच आपको सभी को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बैक टू द वर्क। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो BSF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, स्टेनो की और कलर की। तो टोटल में अगर आपको नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो हमारे पास 1526 है, यानी कि इन दोनों को मिला के आपके पास 1526 यानी कि 1526 हमारी टोटल पोस्ट है। जिसके अंदर मैं बात करूं आपसे तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है हमारे पास 243 और एक है हमारे पास 1283। जो 1283 पोस्ट है ये हमारी हेड कांस्टेबल की है, ये हमारी हेड कांस्टेबल की है, और जो हमारे पास 243 है ये हमारे पास स्टेनो की है, यानी कि जो बच्चा स्टेनोग्राफर बनता है उसके लिए है। और देखो, एक बार मैं आपको इन दोनों के जो वर्क है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक तो सबसे पहले ये समझो, ये जो हमने हेड कांस्टेबल लिखा हुआ है, बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि सर हेड कांस्टेबल लिखा है तो इट मींस कि कहीं इनको बाहर धूप धूप में खड़ा कर देंगे, बाहर का काम दे देंगे, बाहर की प्रोफाइल का जॉब होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी एक पूरी की पूरी ऑफिस वर्क वाली जॉब है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में जो भी सोल्जर्स होते हैं, तो पर सोल्जर के ऊपर जो भी काम किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल उनको वेपन्स का काम होता है, उनके ऊपर जो भी उनकी सैलरी का काम होता है, या उनकी जो फैमिली है उनको उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम होता है, तो जितने भी सोल्जर्स के ऊपर कुछ कुछ जो काम किया जाता है वो सारा क्लर्क का डिपार्टमेंट उनको हैंडल करता है। तो वैसे ही कुछ लोगों को स्टेनो की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को नॉर्मल क्लर्क की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्लर्क की वैकेंसी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि स्टेनो, आपको पता है स्टेनो एक स्किल टेस्ट है, यहां पर भी सिखाऊंगा,
स्टेनो वाले बच्चे अलग तरीके का पेपर देंगे और जो क्लर्क वाले होंगे वो पेपर थ्री में अलग तरीके का पेपर देंगे, क्योंकि इनमें स्किल टेस्ट होता है और स्टेनो कम से कम एक साल तो लग ही जाता है स्टेनो में आपको स्किल सीखने के लिए, क्योंकि जो हेड कॉन्स्टेबल है इसके अंदर तो है टाइपिंग, तो टाइपिंग आप लोग आराम से जितनी भी प्रैक्टिस करोगे पर डे के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन जो हमारे पास स्टेनो होता है इसमें बच्चे को एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी बच्चा तैयारी करने आता है तो मैं उसको बताता हूं कि आप दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली करिए, ताकि आप लोग साथ के साथ स्किल की भी प्रिपरेशन करो और साथ के साथ आप सीबीटी की भी प्रैक्टिस करो, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है, टेस्ट होता है सॉरी, उसके अंदर जो भी रिटन एग्जाम होता है उसकी भी आप प्रिपरेशन साथ में करिए। कभी कभी बच्चा सोचता है रिटन की पेपर पहले तैयारी कर लेता हूं बाद में स्किल की तैयारी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है हमारी 9 जुलाई, यानी कि 9 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है, लास्ट डेट है। और आई थिंक सो आज 14 तारीख है और ये फॉर्म आई थिंक सो 6 या 7 तारीख को फॉर्म ये निकल गया था, ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इस फॉर्म की भरने की जो फी है यानी कि जो इसकी फीस है वो 100 रुपीज है और ये सभी के लिए है, यानी कि मेल के लिए भी है और ये फीमेल के लिए भी है, यानी कि ये आपको अलग से रिलैक्सेशन नहीं मिला है कि जो फीमेल है उनके लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ DSSB में ऐसा होता है कि जहां पर फीमेल के कोई चार्ज नहीं लगता है वहां पर फीमेल की पोस्ट को भरने के लिए वो उनकी जो फी होती है वो बिल्कुल निल होती है, मेल के लिए आई थिंक सो 100 रुपीज देने पड़ते हैं, बाकी जो फीमेल है उनके लिए तो वहां पर बल्ले बल्ले है, वो वहां पर कोई भी फी नहीं होती। बट BSF में जो सेंट्रल जॉब है यहां पर बच्चे को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो 100 रुपीज यहां पर पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं कि बच्चे की यहां पर एज क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि कौन से बच्चे, किस उम्र के बच्चे, किस ग्रुप के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। तो जैसा आपने नोटिस करा होगा ऑलमोस्ट हर जितनी भी बेल्ट जॉब्स होती हैं सभी में सेम ही प्रोफाइल होती है, वो भी मैं आपको सेम बता देता हूं अगर आपको नहीं पता हो तो, 18 to 25 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो सभी ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, यानी कि 18 से 25 साल की उम्र तक के बच्चे ये फॉर्म भरेंगे। और यहां पर एक TNC है, टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि कुछ रिलैक्सेशन मिलता है आपको पता है OBC को जो हमारा 3 ईयर्स का होता है, और कुछ रिलैक्सेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट को यानी कि SC और ST को जिनको 5 ईयर्स का होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा मान के चलते हैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वहां पर आपको 25 ना होकर 28 एज तक आप ये फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है, और अगर आपके पास SC और ST का सर्टिफिकेट है तो आप 30 की एज तक आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। और जो जनरल कैटेगरी है फॉर्चुनेटली बोल लो अनफॉर्चुनेटली बोल लो 25 साल तक की एज तक ही ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज क्या होता है कि आप जैसे GD की वैकेंसीज देखते होगे तो GD में क्या होता था कि स्टेट वाइज जो होती थी वैसे वैकेंसीज लगती थी, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इनके लिए ये साफ बताएंगे कि भाई ये हमारी मेरिट लगी है, बच्चा इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब वो उसके अंदर इन है, अदरवाइज वो आउट है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करता हो, ठीक है ना। जो कैटेगरी लगेगी कैटेगरी वाइज तो चलो अलग होता है, UR की अलग लगती है, उसके बाद OBC की अलग लगती है, SC ST की अलग लगती है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग नहीं मिलेगा बच्चों, वो इकट्ठा मिलेगा। एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1526, इसका 30 टाइम्स ये लोग बच्चे बुलाएंगे CBT के लिए, मतलब अभी बताऊंगा मैं, इसमें 3 फेजेस में 3 टीयर्स में पेपर होगा, जो उसके अंदर CBT होगा यानी कि पेपर 2 होगा रिटर्न, उसमें ये 30 टाइम्स ज्यादा बच्चे बुलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरिट उसी के हिसाब से लगेगी ना, फिर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में ऐसा क्यों है, ठीक है। तो एज हो गया, उसके बाद करते हैं बात हम लोग क्वालिफिकेशन की कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वालिफिकेशन में याद रखना है कि नॉर्मल बच्चा ग्रेजुएशन जिस बच्चे की हो रखी है यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर कोई भी UGC के अंडर
जो यूनिवर्सिटी आती है आपको जैसे पता होगा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी, सिंपल उनके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा जो होगा वो इस फॉर्म को आराम से भर सकता है, बस वो एज क्राइटेरिया थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगर मैं एक और पॉइंट यहां पर अगर मैं मेंशन कर दूं कि सर इसमें सैलरी क्या होगी, इसमें जो सैलरी होती है वो क्या मिलती है, तो देखो मैं आपको बताऊं जो स्टेनो का पद है इसके अंदर जो स्टेनोग्राफर है वो बच्चों यहां पर फिफ्थ पे स्केल है। तो जिसमें अगर मैं बात करूं फिफ्थ पे स्केल की जो सैलरी होती है ना वो 60,000 प्लस आराम से होती है, यानी कि 62,000 के आसपास सैलरी होती है आराम से अगर कोई भी बच्चा स्टेनोग्राफर के थ्रू लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा अगर कोई हेड कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल का यहां पर जो पे ग्रेड है वो है हमारा फोर्थ पे ग्रेड है, यानी कि जो हमारे पास फोर्थ पे स्केल है इसका जिसमें सैलरी होती है वो 42,000 प्लस होती है, 42,000 तो नहीं 50,000 ही समझ लो ऑलमोस्ट यहां पर जाती है, तो 50,000 प्लस सैलरी जाती है प्लस। ये मैं उनकी बता रहा हूं जो ग्राउंडेड एरिया है, ग्राउंडेड एरिया मींस मान के चलो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आ गई दिल्ली के अंदर, तो एक ग्राउंडेड एरिया, यहां पर अलावेंस आपको उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का मान के चलो कोई माउंटेनरी जगह पर आ गया, जैसे लद्दाख में आ गया, जम्मू में आ गया, शिमला में आ गया, जो माउंटेन्स एरिया है, तो वहां पर अलावेंस जो होता है वो भी ज्यादा होता है, तो वहां इनकी सैलरी 70,000 के आसपास पहुंच जाती है स्टेनोग्राफर की, और इसकी पहुंच जाती है 60,000 के आसपास, मतलब 10,000 का डिफरेंस आ जाता है। अरे जैसे केवीएस के अंदर आ जाता है, कुछ पीआरटी को केवीएस के अंदर 60,000 सैलरी मिलती है, कुछ को 65 मिलती है, किसी को 55 भी मिलती है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में गए हैं। एक चीज और बता दूं मैं इसमें, ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान के चलो किसी बच्चे ने स्टेनो की तैयारी कर रखी है, भाई स्टेनो पढ़ता है वो, तो वो यूं सोचेगा कि यार मैं तो स्टेनो का भी फॉर्म भर सकता हूं, मैं हेड कांस्टेबल का भी फॉर्म भर सकता हूं, तो ऐसा बच्चों इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे तो आप क्लर्क में ही काउंट किए जाएंगे, आप स्टेनो में काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरते हैं तो फिर आप लोग क्लर्क में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इसीलिए जिस बच्चे ने आराम से 1-1.5 साल से मेहनत रखी है अपने स्टेनो की स्किल के ऊपर, वही बच्चा स्टेनो का फॉर्म भरे, क्योंकि आप नोटिस करो इसमें वैकेंसी भी कम है, वैकेंसी ज्यादा जो है वो हेड कांस्टेबल करंट में है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हेड कांस्टेबल वाला जो है इसमें 50,000 के करीब सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें आपका टाइपिंग होगा, इसमें आपका स्किल का कोई भी काम यहां पर नहीं है, तो सोच समझ के थोड़ा सा फॉर्म भरना, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। कट ऑफ इतनी कुछ खास नहीं जाती, वो मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि अगर मैं पूछूंगा कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, तो जरा इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा। तो सीधी सी बात है, एग्जाम पैटर्न जो है इसका वो 3 tiers में होगा, एक होगा tier 1, एक होगा tier 2 और एक होगा tier 3। एक बात बता देता हूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं जो एसएससी होता है वो टीयर डिनोट करता है, और जो हमारे जितने भी फोर्सेस की जॉब्स होती हैं वो फ्रेज डिनोट करते हैं कि फेज वन फेज टू फेज थ्री। बात एक ही है कि 3 चरणों में ये पेपर लिया जाएगा, जिसमें से मैं बात करूं सबसे पहला फेज है जो tier 1 है वो हमारा फिजिकल टेस्ट है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट में होगा हमारा PST या फिर PET, ये दोनों क्या होता है भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद टीयर टू जो होगा वो होता है CBT। CBT को आप ऐसे याद रख लो कि ये हमारा रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये हमारा, यानी कि ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये हमारा ऑनलाइन होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और टीयर थ्री जो होगा वो डिपेंड करेगा कि अगर किसी बच्चे ने स्टेनो करा है तो स्टेनो के लिए उनका स्टेनो अलग से स्किल देखा जाएगा, और अगर किसी बच्चे ने हेड कांस्टेबल करा है तो वहां पर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट वही नॉर्मल मांगेंगे जो सब में मांगी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं PST की,
कि पीएसटी में क्या क्या होगा, यानी कि जो टीयर वन है, यानी कि आप नोटिस करते हो बहुत सारों में क्या होता है कि रिटर्न पेपर पहले हो जाता है उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में होता है, यूपी पुलिस की वैकेंसी होता है, हालांकि यूपी पुलिस की तो क्या ही बात करें क्योंकि उन्होंने तो पेपर ही नहीं लिया, ठीक है ना, पेपर कैंसिल हो गया था उसकी वजह से दोबारा वो पेपर पोस्टपोन हुआ, अब कुछ भी नहीं हो रहा उस पेपर का, ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद क्या हुआ, टीयर वन जो हम लोग बता रहे हैं फिजिकल टेस्ट, इसमें आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है, जैसे मेल की आपको बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, और जो इसके अंदर चेस्ट चाहिए वो 77 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपेंड करके 84 चाहिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चेस्ट का मेजरमेंट है, ठीक है। और यही अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए आई थिंक सो 155 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, तो इनके में सिर्फ हाइट हाइट नपेगी, और कुछ अलग शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उसके अंदर थोड़े थोड़े 5-5 सेंटीमीटर और आप कम कर लीजिए, उनको इन चीज का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। ये तो होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, लेकिन अगर एफिशिएंसी के टेस्ट की बात करें तो एफिशिएंसी के टेस्ट में आपकी होगी भाई रनिंग, ठीक है ना, और रनिंग में भी आपको ध्यान रखना है, मेल की रनिंग के लिए अलग प्रोसीजर है, फीमेल की रनिंग के लिए अलग प्रोसीजर है। मेल की जो रनिंग होगी ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेल के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर और ये आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है, और फीमेल के लिए कमी होता है आई थिंक 800 मीटर है जो आपको 4 मिनट 48 सेकंड में आपको पूरा करना होगा, जो कि बहुत आसान है, गॉसिप करते हुए भी लड़कियां ये पार कर देती हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपको इसके लिए चाहिए ही चाहिए, और ये किसी भी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन इसके अंदर नहीं है, आपको ये फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टीयर वन। इसके बाद अगर मैं बात करूं जब आएंगे टीयर टू के बारे में, तो टीयर टू मैंने आपको बता दिया, टीयर टू जो होगा वो आपका किस बेसिस पर होगा भाई, सीबीटी बेसिस पर, तो सीबीटी बेसिस पर रिटर्न पेपर होगा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, ध्यान रखना एक बात, क्योंकि अगर ये निकल गया तो समझ लेना सब कुछ निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा स्टेनोग्राफर वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टेनो यहां तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन वहां जाने के बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करो भाई। तो इसमें आएगा क्या, मैं अगर बात करूं तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे जरा इनकी बात करेंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स कितना होगा ये देखेंगे, और प्लस टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे ये देखेंगे, और कितने टाइम में ये काम सारा का सारा आपको करना है ये देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, खासकर यूपी बिहार वाले बच्चों को, क्योंकि वो थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा वो थोड़ा कोशिश करते हैं कि इंग्लिश की तरफ ना ही जाए तो काम चल जाए, है ना, तो इंग्लिश और हिंदी में से आप लोगों को एक में चॉइस मिल जाएगी, जैसे आप लोगों को यार बाकी उसमें जीडी में भी मिल जाता है, तो जनरल ड्यूटीज जो होती है उसके अंदर भी आपको हिंदी इंग्लिश में प्रेफरेंस मिल जाती है। उसके बाद सेम सेकेंड आएगा आपका मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स, फिर उसके बाद सेम आपके पास रीजनिंग आएगा, नेक्स्ट उसके बाद सेम आपके पास जनरल अवेयरनेस आएगा, या फिर आप इसको जनरल जीके भी बोल सकते हो, ठीक है, और लास्ट आएगा आपके पास कंप्यूटर। कंप्यूटर की थोड़ी सी वेटेज आपको पता है पहले से बढ़ चुकी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये सभी के सभी 20-20 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 पेपर है तो इट मींस ये आपके पास 20 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल हमारे पास अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 100 मार्क्स के होंगे, और क्वेश्चन भी इसके अंदर 20-20 ही होंगे, यानी कि 20-20 नंबर के पर सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस इस बार होंगे। तो अगर मैं सीधी सी बात बताऊं तो आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, और एक चीज और अच्छी बात है, 100 ही मिनट मिलेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, तो 100 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटा 40 मिनट आपको मिलेगा इस पूरे के पूरे पेपर को देने के लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स का है, और जो 100 है वो मिनट भी है, 100 मिनट में आपको ये सारा फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट जाएगा आपका टीयर थ्री, जो टीयर थ्री होगा वो आपका मैंने बता दिया, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, मेडिकल टेस्ट भी इंक्लूड होगा और प्लस इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, तो स्किल टेस्ट उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रखा होगा, और टाइपिंग टेस्ट उन्हीं का होगा जिन्होंने किसके लिए अप्लाई कर रखा होगा, हेड कांस्टेबल यानी कि क्लर्क के लिए अप्लाई कर रखा होगा। तो आई होप सो आज
आज की वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी होगी, और आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल तक की उम्र में है, इस एज क्राइटेरिया में है, तो आप इसको भरिए। किसी के पास ओबीसी का क्राइटेरिया है तो वो 28 साल तक भर सकता है, और किसी के पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो वो 30 की एज तक भर सकता है। दूसरी चीज, अगर साथ के साथ आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यूं नहीं कि आपने कहीं से डिग्री विग्री छाप ली छपवा ली हो और आपको वो पेपर भर दो तो वो बच्चों आप लोग बाद में जाके आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भरिए, और आप नोटिस करिए ये लास्ट 9 तारीख है इसको भरने का, यानी कि जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। तो सितंबर अक्टूबर के आसपास ये आपको टीयर 1 के लिए बुलाएंगे, और दिसंबर के आसपास आपको आराम से ये टीयर 2 के लिए बुलाएंगे, यानी कि आपके पास आराम से 6 महीने है किसी भी क्या इसी के लिए बता रहा हूं, बाकी तो आपके पास पता ही है, सीएचएसएल होगा, एमटीएस होगा, सीजीएल होगा, सीपीओ होगा। बच्चों, नौकरी की कमी नहीं है, बस ये ध्यान रखो, कभी भी गवर्नमेंट जॉब की जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें अपनी कंटिन्यूटी पे ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि एक एग्जाम दिया, चलो अब इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तभी जाके आपको एक ना एक जॉब जरूर ग्रैब हो सकती है जल्द से जल्द, ठीक है। चलो, तो जैसा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, और मैं डीएसएसबी की खुद हम लोग वेट कर रहे हैं, बाकी सूत्रों से थोड़ा सा खबर है, सोर्सेस से थोड़ा सा खबर है कि पीआरटी की वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ये पीजीटी का एग्जाम ले लेंगे वैसे ही थोड़े दिन बाद ये पीआरटी के लिए सारी पोस्ट निकाल देंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। अब जो डीओई होगा, एनडीएमसी होगा, और जो हमारा अलग डिपार्टमेंट होगा, एमसीडी होगा, इन तीनों के जो पेपर्स होंगे वो अभी इकट्ठे होंगे, नई जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको जल्द ही इस चीज की खुशखबरी देने आऊंगा, इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूं कि जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी करने में लगे हुए हैं वो होप ना छोड़ें, मॉक टेस्ट लगाएं, जितने भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपकी नौकरी लगेगी। ध्यान रखना, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया है, मैंने अपने और दोस्तों का एग्जाम्पल दिया है, मैंने उन बच्चों का एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली है। इसीलिए थोड़ी सी रातें काली करो, जितनी रातें काली करोगे, जितनी रातों में पढ़ोगे, उतना देखना आपका सवेरा जो होगा बहुत अच्छे से आएगा, शाइनिंगनेस में आएगा, और धीरे धीरे जब पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को रास्ता भी दिखेगा, ठीक है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं ना कि इतनी मेहनत करो कि जो हमारा जो परिवार है उसकी गरीबी जो है वो दूर हो पाए, क्योंकि पढ़ाई से ही आप गरीबी दूर कर सकते हो, ये बात अपने मन में बैठाओ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।